ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਗੁਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 75% ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਕੋਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈ बुरा हाल कर दिया है। ये दोनों तबके पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारी परेशानी का जरा एहसास नहीं है इन लोगों को। क्या हाल कर दिया हम लोगों का। पुलवाल तो आया जनाब, किसी वे कहते ने 2 महीने तो बाद आना, कोई दवाई अंदर जान ही नहीं देंदे ते ना कोई गेट खोल रहे हैं ते ना अंदर जान देंदे ने। एहो लोग लोगों ने साथ देने वाले अस्पतालों भी बंद कर रहे हैं। अगर इन्होंने गरीबों का साथ नहीं करना तो फिर कहड़े असी बाहर फरिश्ते लै आइए जो मुल्क का निजाम चला। वकला का धावा, लाहौर का PIC बंद, मरीज और लवाहिकीन ख्वार, आज तमाम ऑपरेशन और टेस्ट मुलतवी, इमरजेंसी OPD और इंडोर सर्विसेज मअत्तल, सिर्फ CCU और सर्जिकल ICU में 15 मरीज तेरे इलाज, तोड़ फोड़ से अहम मशीनरी और ऑपरेशन थिएटर मुतासर। वज़ीर सेहत पंजाब की PIC आमद, इमरजेंसी सर्विस शुरू करने पर इंतजामिया और डॉक्टर से मुज़ाकरात, हुकूमत तशद्दुद का निशाना बनने वाले डॉक्टर्स के साथ खड़ी है, यास्मीन राशिद। वकला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में घुसते ही मरीजों के लवाहिकीन और अमले पर तशद्दुद, इमरजेंसी में भी तोड़फोड़, डंडे उठाकर डॉक्टर्स को ललकारते रहे। दुनिया न्यूज एक और CCTV फुटेज सामने ले आया। PIC हमला, 250 से ज्यादा वकला के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज, 15 से ज्यादा नामजद, दहशतगर्दी, अहलकारों पर तशद्दुद, हवाई फायरिंग की दफात शामिल, करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में मुदाखलत से मरीजों की जान जाने का इल्जाम। वकला की तोड़फोड़, शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फोरेंसिक टीम की PIC आमद, गिरफ्तार वकला को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, मजीद वकला को हिरासत में लेने की तैयारी, टीमें तश्कील दे दी गई। वकला के एहतजाज की इत्तला नहीं थी, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोका था, तमाम मुमकिन फुटेजेस इकट्ठी कर ली हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कानून से कोई बालातर नहीं है, हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। CCPO लाहौर। 3 मरीजों की मौत और फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद के बाद सूरत हाल कशीदा, गवर्नर हाउस, वजीर आला सेक्रेटेरिएट और सूबाई असेंबली समेत लाहौर के हसास मकामात पर 3 माह के लिए रेंजर्स तैनात, सदर हाईकोर्ट बार के ऐलान पर आज हड़ताल। वकला एहतजाज के दौरान वजीर आजम के भांजे भी पेश पेश, बैरिस्टर हसन न्यासी को पथराव करते और पुलिस मोबाइल तोड़ते देखा जा सकता है, नई वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बैरून मुल्क छुपाई गई दौलत वापस लाने में बड़ी पेशरफ्त, स्विस हुकूमत ने बैंकों में रखी गई रकम की मालूमात पाकिस्तान को देने की मंजूरी दे दी, स्विस बैंकों में 31 लाख गैर मुल्कियों के अकाउंट्स हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केस में आसिफ जरदारी की आज रिहाई का इम्कान, रुकार जारी होने का इंतजार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की। बिलावल जो है बचपन से डायरेक्टर है उन 5 केसेस में, जिसकी प्री बार्गेन ना हुई तो बिलावल का मुस्तकबिल सियासी ख़त्म हो जाएगा, वो जो बड़ा चैं चैं कर रहा है उसकी चैं चैं चुच हो जाएगी और उसको समझ लग जाएगी। और बड़े इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान में, प्री बार्गेन के बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। आसिफ जरदारी प्ली बार्गेन करेंगे, प्ली बार्गेन ना हुई तो बिलावल की सियासत खत्म हो जाएगी, बहुत से पैसे पाकिस्तान आने वाले हैं, इलेक्शन का मुतालबा करने वालों को शर्म आनी चाहिए, वकला के तशद्दुद से पूरी कौम शर्मिंदा है, शेख रशीद। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम,
खुर्शीद शाह के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तोसी, सखर की एहतसाब अदालत का 17 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ बरतानिया में जेरे इलाज, साबिक वज़ीर आज़म का आज भी लंदन के अस्पताल में तिब्बी मुआयना शेड्यूल, मेडिकल रिपोर्ट 4 से 5 रोज तक लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराने का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 20 दिसंबर तक तौसी, रमजान शुगर मिल्स केस में लीगी रहनुमा का 23 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड मिल गया। LNG दरामद की ऑडिट रिपोर्ट, शाहिद खाकान अब्बासी के दावों की नफी, 108 अरब की बेकायदगियों का हिसाब देना पड़ेगा। महंगी गैस के पीछे कठपुतली वजीर आजम की कारस्तानियां हैं, फिरदौस आशिकाबान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान का तकरर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार, पार्लिमानी कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी, हुकूमत का अपोजिशन पर तावुन ना करने का इल्जाम। PTV और पार्लियामेंट हमला केस, तमाम फरीकों के दलाइल मुकम्मल ना हो सके, वजीर आजम की बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज ही रहा, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में दुआ के अगवा के दौरान जख्मी हारिस को लगने वाली गोली आज निकाली जाएगी, ऑपरेशन कामयाब न हुआ तो हारिस माजूर हो सकता है, डॉक्टर्स ने खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम, कराची में भी बूंदाबांदी से मौसम सर्द, बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। यकीन और अमले पर तशद्दुद किया, यही नहीं इमरजेंसी में भी तोड़ फोड़ की, वकला डंडे उठाकर डॉक्टर्स को ललकारते रहे। दुनिया न्यूज एक और CCTV फुटेज सामने ले आया है। ये मनाजिर किसी मैदान जंग के नहीं, लाहौर PIC के हैं। डंडे, पत्थर और लोहे के रॉड उठाए वकला तोड़ फोड़ करते हुए अस्पताल में दाखिल हुए, कोई दरवाजा महफूज रहा ना ही कोई खिड़की, सबके शीशे तोड़ डाले, मुश्तइल वकला गमले और दीगर चीजें फर्श पर पटकते रहे। वकला ने इस्तकबालिये पर भी तोड़फोड़ की, इमरजेंसी वार्ड को भी ना छोड़ा, तोड़फोड़ रोकने पर अस्पताल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारामारी के दौरान मरीजों के कुछ लवाहिकीन भी जद में आ गए, वकला मुख्तलिफ वार्ड में यूं दनदनाते रहे जैसे दुश्मन का किला फतह किया हो, हंगामा आरा से मरीज और लवाहिकीन खौफो हरास में मुब्तला हो गए। PIC पर वकला का हमला, मरीज हंगामे के दौरान चल बसा, हमले के बाद डॉक्टर इमरजेंसी छोड़कर चले गए थे, लवाहिकीन मरीज अनवर को खुद ही तिब्बी इमदाद देने की कोशिश करते रहे, फुटेज में लवाहिकीन रोते रहे, वकला और डॉक्टरों को कोसते रहे। डॉक्टर्स के हंगामे के दौरान मरीज को इमरजेंसी में लाया गया था। PIC पर वकला के हमले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हमले के दौरान मरीज हंगामे के दौरान चल बसा, मजीद तफसीलात जान लेते हैं, सज्जाद काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताएगा, मजीद इस वाक़े में कितने मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, सज्जाद से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कल के हंगामे के दौरान एक मरीज चल बसा, हमले के बाद डॉक्टर इमरजेंसी छोड़कर चले गए थे, लवाहिकीन मरीज अनवर को खुद ही तिब्बी इमदाद देने की कोशिश करते रहे, फुटेज भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, फुटेज में लवाहिकीन रोते रहे, वकला और डॉक्टर्स को कोसते रहे और अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद देने की कोशिश करते रहे। डॉक्टर्स के हंगामे के दौरान मरीज को इमरजेंसी में लाया गया था, लेकिन दिल का मरीज दिल के इतने बड़े अस्पताल में ही दम तोड़ गया, क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमला किया शायद दर्द दिल नहीं रखते थे। सज्जाद काजमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सज्जाद, बताएगा इस अफसोसनाक वाक्य के बारे में।
پی آئی سی حملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور فورنزک ٹیم نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ حملے میں ملوث وکلا کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو گیا ہے اور اس احتجاج کے دوران وزیراعظم کے بھانجے بھی اسپتال کے باہر موجود تھے اور فوٹیج میں بیرسٹر حسان نیازی کو پتھراؤ کرتے ہوئے اور پولیس موبائل کو توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پی آئی سی پر وکلا کے حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ 250 سے زائد وکلا کے خلاف دو مقدمات درج کیے گئے ہیں، 15 سے زائد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمات میں دہشت گردی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں، سرکاری کام میں مداخلت سے مریضوں کی جان جانے، پولیس اہلکاروں پر تشدد، ہوائی فائرنگ اور پولیس وین کا جلانا بھی مقدمے کا حصہ ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق وکلا نے اسپتال میں کروڑوں روپے کی مشینری اور املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ وکلا احتجاج کے دوران وزیر اعظم کے بھانجے بھی اسپتال کے باہر موجود تھے۔ بیرسٹر حسان نیازی کو پتھراؤ کرتے اور پولیس موبائل توڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے بھانجے کے خلاف کارروائی کے سوال پر سی سی پی او لاہور نے کہا کہ جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کل کچھ وکلا نے احتجاج کو سیاسی رنگ دیا۔ الیکشن چونکہ لائرز کے آ رہے ہیں تو وہاں آپس کی گروپنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو ایسا رنگ دیا یا ایریٹیٹ کیا کہ وہ ایک دم لوگ اس سائڈ پہ چل پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی بھی ان فوٹیجز میں دکھائی دیتے رہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا اور کیا ان کو بھی کسی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا، جو بھی آدمی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف قانون اپلائی۔ پی آئی سی پر وکلا کے دعوے کے بعد شہر میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم عمارتوں کے باہر رینجرز کے جوان موجود ہوں گے۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد انتظامیہ اور پنجاب بار میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حملے کے باوجود صدر ہائی کورٹ بار کے اعلان پر وکلا نے آج ہڑتال کر رکھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پی آئی سی میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ حکومت تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ وکلا نے مریضوں کا علاج روک کر حکومت کی ریڈ چیلنج کی، حکومت ڈاکٹرز کی گاڑیوں اور سرکاری املاک کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ گورنمنٹ ان کو ہر حال پہ ہر طریقے سے سپورٹ کرے گی۔ جو کل ذاتی اور ظلم ادھر کیا گیا ہے وکلا حضرات سے، ہم انشاءاللہ اس ساری چیز کو وی ول ٹیک اٹ ٹو ٹاسک۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر بندہ جس نے یہ غلط کام کیا اس کو پراپر اس کی سزا ملے، اور ہمیں ہر طریقے سے ہم اپنے ڈاکٹرز کو سپورٹ۔ پی آئی سی پر وکلا کے دھاوے کے بعد آج اسپتال میں تمام سروسز بند ہیں، آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں، ہزاروں مریض طبی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں۔ حسرت یاس کی تصویر، مریض مایوس لوٹنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر وکلا حملے کے بعد مریضوں کی جان پر بنائی، توڑ پھوڑ اور مشینوں کو نقصان پہنچنے پر آج اسپتال میں تمام سروسز بند ہیں۔ اسپتال میں روزانہ 15 بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکیں گے۔ 70 سے 80 مریضوں کی اینجیوگرافی اور 40 سے 50 مریضوں کی اینجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکے گی۔ پی آئی سی میں سروسز بند ہونے پر 150 سے زائد مریضوں کا ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ 150 سے زائد مریض تھیلیم اسکین ٹیسٹ نہیں کرا سکیں گے۔ ہزاروں مریضوں کو ٹرافٹی ٹیسٹ کی سہولت میسر نہیں آئے گی۔ ایمرجنسی بند ہونے پر سینکڑوں مریضوں کو طبی سہولیات نہیں ملیں گی۔ ڈور میں علاج معالجے کے لیے سہولیات جاری ہیں۔ صوبے کی سب سے بڑی علاج گاہ میو اسپتال میں مریضوں کو علاج معالجہ جاری ہے۔ جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عبد القادر متنی سے۔ جی عبد القادر۔ اجی، گزشتہ روز پی آئی سی یا دل کے ہاسپٹل پر وکلا کے حملے کے بعد گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے آج جو ہے وہ پنجاب بھر کے تمام ہاسپٹلز کی آؤٹ ڈور بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تاہم میں اس وقت لاہور کے سب سے بڑی علاج کا میو ہاسپٹل میں موجود ہوں، جہاں پہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے اور پرچی کاؤنٹر سے مریضوں کو جو ہے وہ پرچیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ مریضوں کو جو ہے علاج معالجے کی بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ آج آؤٹ ڈور جو ہے میو ہاسپٹل کا کھلا رکھا گیا، اور یہ کہا گیا، موقف یہ اختیار کیا گیا کہ گزشتہ روز کیونکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا تھا حکومت سے کہ وکلا کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر یا مقدمہ کا اندراج کیا جائے، اور گزشتہ روز ہی جو ہے وہ وکلا کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا تھا، جس کے بعد مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میو ہاسپٹل میں علاج معالجے کی تمام سہولیات معمول کے مطابق جو ہے وہ مریضوں کو فراہم کی جائیں گی۔ علاج معالجے کی سہولیات کی بات کی جائے تو علاج معالجہ جو ہے وہ میو ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور، ان ڈور اور ایمرجنسی میں معمول کے مطابق جاری ہے۔ جی
कल लाहौर के वाकये के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कल लाहौर में जो कुछ हुआ उस पर बहुत अफसोस है, कल के वाकये से पूरी कम्युनिटी को जर्ब लगी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान हुकूमत की मुलाजमत से मुतल्लिक एक केस की समाअत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कल लाहौर में जो कुछ हुआ है उस पर उन्हें अफसोस है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल के वाकये से पूरी कम्युनिटी को जर्ब लगी है। यकीनन कल जो कुछ लाहौर में हुआ, कल टीवी स्क्रीनों के ऊपर बराह रास्त हम दिखाते भी रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कल लाहौर में जो हुआ उस पर उन्हें बहुत अफसोस है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल के वाकये से पूरी कम्युनिटी को जर्ब लगी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल केस की समाअत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कल के वाकये का तज़किरा करते हुए उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब का कहना है पीआईसी में हंगामा करने वाले सजा से नहीं बच पाएंगे, अस्पताल में तोड़फोड़ किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि हंगामा आरआई की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है, तमाम तर हमदर्दियां जाँ बहक मरीजों के लवाहिकीन के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हंगामा आरआई करने वालों ने मरीजों और उनके लवाहिकीन पर तशद्दुद करके बदतरीन फेल का इर्तकाब किया। दिल के अस्पताल में वकला की हंगामा आरआई की अफसोसनाक वाकये की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। कैमरों की मदद से अस्पताल में हंगामा आरआई और तशद्दुद के जिम्मेदारों की निशानदेही का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का यह भी कहना था कि बरवक्त इलाज न होने से तीन मरीजों के जाँ बहक होने के वाकये पर इंतहाई दुख और अफसोस है। तो गुज़िश्ता रोज के वाकये पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान जारी हुआ है। उनका कहना है कि पीआईसी में हंगामा करने वाले सजा से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं। लाहौर में पीआईसी पर हमले के बाद मुल्तान में पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने तमाम सरकारी अस्पतालों में काम बंद कर दिया है। निश्चर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, बुनियादी मरकज सेहत समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद हैं। लाहौर में कल के रोज पीआईसी पर वकला की जानिब से हमला किया गया, जिसके बाद अब मुल्तान में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है और नारेबाजी की जा रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने तमाम सरकारी अस्पतालों में काम बंद कर दिया है। मुतालबा यही है कि इस हमले में मुलविस वकला की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। ऐसे में निश्चर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स और बुनियादी मरकज सेहत समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। लाहौर में जो कुछ हुआ उसके बाद अब डॉक्टर्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। हमने आपको मुल्तान से सूरत हाल बताई, जिसके बाद अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और यहाँ पर भी डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। और एलाइड अस्पताल जो फैसलाबाद का एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर्स अपना काम छोड़ के एहतजाज कर रहे हैं। कुछ जो कुछ कल हुआ उसकी वजह से कल भी मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। वकला ने हमला किया जो खिलाफ कानून था, लेकिन आज उसी तरह से एक बार फिर मरीजों को हुई तकलीफ का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नईम कैसर से। नईम, लाहौर में जो कुछ हुआ अफसोसनाक है, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, डॉक्टर्स वही काम कर रहे हैं। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला की जानब से किया गया और वहाँ पर उन्होंने दावा बोला, वकला ने डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, मरीजों के ऊपर तशद्दुद किया गया, तोड़फोड़ की गई, कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, मारदाड़ की गई, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया भी हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ आज डॉक्टर्स जो हैं वो फैसलाबाद में सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स की जानब से यहाँ पर अलाइड अस्पताल में और सिविल अस्पताल में एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को भी मुश्किल का सामना है। आउटडोर बंद तो नहीं किया गया, तमाम डॉक्टर्स जो है वो अपनी चेज के ऊपर मौजूद नहीं है और वो इस इकदाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो कल गुज़िश्ता रोज़ वकला की जानब से किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। हालत जंग में भी डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह के हालात नहीं होते जो वकला ने किया। तो डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि अस्पतालों में किस वजह से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती और इस तरह के जो वाकयात हैं वो पे दर पे क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ
और वकला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन वकला ने इस मुकदस पेशे को बदनाम किया है, वकालत एक मुकदस पेशा है, लेकिन मुट्ठी पर वकला जो है उनकी जानब से एक दहशतगर्दी का डॉक्टर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नईम कैसर, आपका शुक्रिया।